हेलो गाइस, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए आपका जो चैनल है वो ग्रो होगा, थोड़ा सा उसको बूस्ट मिलेगा। छोटी छोटी सेटिंग्स है पर आपके चैनल को ये ग्रो करेंगी। देखिए क्या है कि आपका चैनल अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी हल्का उसको अगर सपोर्ट मिलता है किसी भी तरीके से, तो आपका चैनल थोड़ा भी आगे बढ़ता है, तो करना चाहिए वो चीज़ें हमको। टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन अपनी जगह है, आपका वीडियो का थंबनेल अपनी जगह है, वो अपनी जगह काम कर रहा है, पर कुछ छोटी छोटी सेटिंग्स हैं जो आपके चैनल को ग्रो करने में मदद करती हैं। तो मैं आपको ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधी सेटिंग्स बताता हूँ आपको करना क्या है। आपका जैसे ये चैनल है, मेरा ये चैनल है, गेमिंग का चैनल है, ठीक है। मैं उदाहरण के लिए मैंने चैनल लिया है गेमिंग का चैनल। इसमें आपको क्या करना है, आपका ये आपका डैशबोर्ड हो गया, ठीक है। आपको जाना है सिंपल सा सेटिंग में। अब जैसे जो मोबाइल पे बंदे हैं वो मोबाइल पे क्या करें, मोबाइल पे कुछ नहीं करना, आपको गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम में आप जाएंगे, उसको डेस्कटॉप मोड पे आप ये पूरी सेटिंग कर सकते हैं। बाकी अगर आपको दिक्कत है तो मोबाइल के लिए भी अलग से बना दूंगा। आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आपके पास आएगा सबसे पहले जनरल, इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी। आपको जाना है चैनल पर। इस चैनल में आपका जो चैनल का नाम है वो आपको यहाँ पर दिखेगा, जैसे यहाँ दिख रहा है गेमर अभिषेक। इसमें आपको क्या डालना है, अपने चैनल से रिलेटेड कीवर्ड्स डालने हैं। क्या होता है, जैसे हमारा जो चैनल है लोग सर्च करते हैं तो वो सर्चिंग में ऊपर नहीं आता, तो उसका जो है वो रीज़न यही है, हम कीवर्ड्स नहीं डालते हैं अपने चैनल के। आपको यहाँ अलग अलग कीवर्ड डालने हैं। जैसे मैंने एक सिंगल डाला गैमर अभिषेक, ठीक है। अब मैं एक साथ डाल देता हूँ गैमर अभिषेक, तो उसमें ये होगा कि आपके जो चैनल है जब भी कोई सर्च करेगा तो इन कीवर्ड्स की वजह से वो आपके चैनल रैंक करेगा। अब मैं यहाँ पे और भी डाल सकता हूँ, मैं आगे पीछे भी कर सकता हूँ, अभिषेक गेमर कोई भी अगर नाम डाले तो मेरा जो चैनल है वो आना चाहिए। और अभिषेक गेमर अभिषेक YT भी डाल देता हूँ, कुछ लोग ये भी सर्च करते हैं। तो इसमें ये होगा कि हमारे चैनल को जब भी कोई सर्च करेगा तो उसको सबसे पहले नंबर पर दिखाया जाएगा। हो सकता है गेमर में भी अगर कोई सर्च करे तो आपका नाम आ जाए, है ना। तो ये थोड़ा सा इसमें आपको बूस्ट मिलेगा आपके चैनल को ग्रो करने में, कोई भी सर्च करता है तो ईजिली मिल जाएगा। दूसरा जाना है आपको एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में आप तो ये प्राइवेसी कर ही सकते हैं कि आपका जो चैनल है वो किसके लिए, काइट्स के लिए है कि नहीं है, बच्चों के लिए है या नहीं, वो आप कर दीजिएगा। इसके बाद आपको जाना है एडवांस चैनल सेटिंग में। एडवांस चैनल सेटिंग में आपको ये करना है, बेसिकली देखिए वही चीज़ है जो इसमें मैंने आपको पहले करके बताई थी। इसमें आपको अपने चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं, देखिए नया चैनल है, कम सब्सक्राइबर होते हैं तो लोग क्या सोचते हैं, भाई कम सब्सक्राइबर हैं, नया चैनल है, ऐसे ही कुछ भी डाल दिया होगा। तो आपको अपने सब्सक्राइबर को हाइड करना चाहिए जब तक आपका चैनल अच्छा खासा ग्रो नहीं हो जाए। अगर आपको अपने चैनल के सब्सक्राइबर हाइड करना है तो उसके लिए आपको एडवांस सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको लिख रहेगा सब्सक्राइबर काउंट्स, तो आपको यहाँ पे करना है डू नॉट डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइबर टू माई चैनल। इससे ये होगा कि आपके चैनल के सब्सक्राइबर किसी को दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ आप ही देख सकते हैं। और यहाँ से आपको सिंपल सा सेव करना है, तो ये आपको सेटिंग करनी है, ठीक है। इसके अलावा भी आपको मैं और सेटिंग बताता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है ब्रांडिंग में। ये ब्रांडिंग क्या होता है, जब भी आप कोई वीडियो प्ले करते हैं, जब भी आप यूट्यूब पे कोई वीडियो प्ले करते हैं तो यहाँ पे आप साइड में देखते हैं लोगो टाइप का दिखाई देता है, या कुछ भी आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा या कुछ भी दिखता है। तो ये क्या होता है, जब भी आपका कोई वीडियो प्ले करेगा तो ये साइड में होता है, जिससे आपका चैनल सब्सक्राइब लोग ईजिली कर देते हैं, बहुत आपको प्रॉफिट मिलता है, जो आपके बंदे आते हैं देखने के लिए वो सब्सक्राइब कर देते हैं यहाँ से। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं रिमूव करके इसको रिप्लेस भी कर सकता हूँ, या फिर आप एक लोगो जो आपका चैनल का लोगो है वो यहाँ पे आप अपलोड करें। लोगो अपलोड करने के बाद उसको आप एंटायर वीडियो करके सेव कर दें, तो आपको ये वाली चीज़ भी यहाँ पर करनी है, आपको प्रॉफिट होगा इससे। उसके अलावा जो आपका अपलोड डिफ़ॉल्ट है, अपलोड डिफ़ॉल्ट में एक सेटिंग आपको ध्यान से रख, आपका जो अपलोड डिफ़ॉल्ट है मतलब जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें एक सेटिंग आपके डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, ठीक है। एडवांस सेटिंग में जाएंगे, उसमें जो आपकी कैटेगरी है, जो भी आप कैटेगरी में वीडियो बना रहे हैं, गेमिंग पे बना रहे हैं, फिल्म, स्पोर्ट्स, ट्रेवल, न्यूज़ और हाउ टू स्टाइल एजुकेशन, तो ये कैटेगरी आप ज़रूर डालिएगा। इससे जो है यूट्यूब वीडियो फिल्टर करता है ईजिली और केवल उन्हीं बंदों तक पहुंचाता है जिसकी ज़रूरत है लोगों को। मेरा गेमिंग का चैनल है, मैं पढ़ाई वालों तक अगर वीडियो पहुंचाऊंगा तो वो लोग पढ़ने वाले बंदे नहीं देखेंगे, एंटरटेनमेंट वाले बंदे नहीं देखेंगे, गेमर्स जो हैं जो गेमिंग पसंद करते हैं वही मेरी वीडियो देखेंगे। एंटरटेनमेंट की है तो एंटरटेनमेंट रखिए, क्योंकि फिर यूट्यूब उन्हीं लोगों को पहुँचाएगा जो लोग ये चीज़ देखते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। पीपल्स अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, आप अपने बारे में या नॉर्मल चीज़ें बता रहे हैं तो आप ये कैटेगरी चुनिए, तो कॉमेडी की है तो कॉमेडी चुनिए, तो
तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी और आपको सिंपल सा इसमें सेव करना है। बाद में क्या होता है, हर वीडियो में हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट में रहेंगी तो ये होगा कि भाई आप भूलेंगे नहीं, आपने कोई वीडियो अपलोड करी तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप फटाफट अपलोड भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो छोटी छोटी सेटिंग्स हैं ये आपके चैनल को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। तो यहाँ पे ये सेटिंग आप अप्लाई करिए चैनल पे। बाकी मैं और छोटी छोटी और बड़ी बड़ी टिप्स आपको देता रहूँगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं बहुत सारी ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपका चैनल ग्रो बहुत फास्ट होगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और भी अगर आपको कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।